करते हुए त्रेता युग में आया था। कहते जब कलयुग आएगा, वो तो द्वापर युग में कह देते हैं, बोले जब कलयुग आएगा तुम्हारी जो बेटा है ये उसने शुक्ल वर्ण धारण करके वो आएगा, ये गौरव वर्ण धारण करके तुम्हारी बेटा आने वाले हैं। इसलिए द्वापर युग में गर्गाचार्य बता देते हैं ये क्या होगा, कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु बन करके आएंगी। कहते ये द्वापर युग में ही ये बात उन्होंने बता दिया है, इसलिए द्वापर युग में बता दिया। बोले सत्य युग में, त्रेता युग में जब शास्त्र बना, व्यास देव भी उसी समय में सारे शास्त्र में उन्होंने भगवत अवतार का, उन्होंने भगवत अवतार का सारे बात बता देती हैं। देखो कौन सा पुराण में क्या क्या कहते हैं, कहती है गरुड़ पुराण में बताए, बोले काले प्रथम संध्यायाम लक्ष्मी का अंत भविष्यति दारु ब्रह्म समीपस्थ सन्यासी गौरव विग्रह। गौरव पुराण में बताया है, बोले क्या बताए, बोले श्रीमान महाप्रभु का पत्नी कौन होगा और वो आकर के कहाँ रहेंगे, वहां पर भी बताया। वहां पर क्या बताया, बोले कले प्रथम संध्यायाम, बोले कलिजो का प्रथम संध्या में कहते लक्ष्मी कांत भविष्यति। महाप्रभु का पत्नी का नाम क्या थी, दो पत्नी थी, क्या क्या नाम है, क्या क्या नाम थी बोलो, और एक था लक्ष्मी प्रिया, एक विष्णु प्रिया और एक इनकी लक्ष्मी प्रिया। वहां पर गरुड़ पुराण में आते ही कहते लक्ष्मी कांत भविष्यामि, मैं लक्ष्मी कांत बन करके आऊंगा और क्या होगा, बोले दारु ब्रह्म निकटस्थ, दारु ब्रह्म मतलब श्री जगन्नाथपुरी, बोले वहां पर सन्यासी गौरव विग्रह, मैंने गौरांग महाप्रभु रूप में सन्यास लेकर के वहीं पर रहूंगा। वहां पर गंभीरा देखे होंगे ना, गंभीरा, इसलिए गंभीरा में महाप्रभु रुकेंगे, वो गरुड़ पुराण में बता दिया है। गरुड़ पुराण में कहते वहां पर, कहती ये भविष्य पुराण में क्या बताए, बोले प्रकले प्रथम संध्यायम धाया गौरांग अहम मही तले भागीरथे भूमि भविष्यामि सनातन। वहां पर भी बताया कल का प्रथम संध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आएंगे और कहाँ पर जन्म लेंगे, बोले गंगा किनारे। नवद्वीप धाम गए हो, कौन कौन नवद्वीप धाम गए, सब गए। वहां पर महाप्रभु कहाँ पर जन्म हुए, भागीरथी समीपस्थ श्री गंगा देवी को पास में ही महाप्रभु जन्म हुए, इसलिए वहां पर भी बता दिया गंगा किनारे में जन्म लेने वाले मैं हूँ। कहती ये बायु पुराण में क्या बताए, बोले शुद्ध गौर सुधीर गांग गंगा तीरे समुद्भव दयालु कृष्णन कृष्ण कत कीर्तन ग्राही भविष्यामि कलियुगे। कहते कलियुग में कहते शुद्ध गौर सुधीर गांग, इसलिए मैं गंगा किनारे में भगवान कैसे सुंदर थे, बड़े सुंदर, आजान लंबित भुज आकर लंबित चक्षु बक्ष विशाल कटी कमर पतली है। यहाँ पर कहते सो दीर्घांग बड़े सुंदर महाप्रभु, कितने लंबे चौड़े पीछे है ना फटो, कहाँ पर कल वहां पर देखा था। हाँ इसलिए कल उनके घर में गए थे ना, इसलिए देखा था महाप्रभु की बड़े सुंदर तस्वीर लगा हुआ हो, तो तस्वीर ला कर यही लगा देना। हाँ इसलिए महाप्रभु लंबे चौड़े बड़े सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु, इसलिए समस्त शास्त्र में वहां पर बता देते हैं कि अहम क्वचित ब्राह्मण सन्यासी श्रित आश्रित हरि भक्ति ग्रायामि कलौ पाप हत नरान। कहते उपपुराण में बताए हैं कहते अहम एव क्वचित ब्राह्मण, कहते मैं किसी ब्राह्मण घर में जन्म ग्रहण करूंगा और बाद में मैं सन्यास ग्रहण करके हरि भक्ति ग्रहयामि सबको मैं हरि भक्ति में सबको प्रदान करूंगा और कलौ पाप हत नरान, कलयुग में जो पाप हत जो जीव है सबको में सबको ये हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए कितने पुराण में कितने श्लोक आया महाप्रभु के बारे में, इसलिए हमारे भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज उन्होंने इसी विषय पर उन्होंने ग्रंथ पूरा के पूरा निकाले है, पूरा ग्रंथ निकाले कौन सा शास्त्र में महाप्रभु कलयुग में आकर के सबको हरि नाम प्रदान करेंगी, कितने उन्होंने श्लोक को उन्होंने कोटेशन करते हुए बताए
कलयुग में श्री सच्चिदानंद गौर हरि आएंगी। धीरे 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 ऐसे होगा। महाप्रभु का जो भविष्यवाणी किया था, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मर नाम, सुखी है या लोक मर गायब की कृति है। एक दिन ऐसे आएगा, संपूर्ण पृथ्वी में मेरे नाम गूंज उठेगा, सब लोग प्रसन्न होकर क्या करेंगी, मेरे नाम को ग्रहण करेंगे। हैं, इसलिए कितने पुराण में आया है। इसलिए जैसे दूसरे दूसरे लोग अपना अपना जो जिसको पूजा करता है, यही भगवान कलयुग में अमुक भगवान अमुक भगवान अमुक भगवान, हम ऐसे पागलपन करके सबको भगवान हम नहीं बोल रहे हैं। शास्त्र जिसको भगवान बोल करके स्थापन किया है, हम उनको ही भगवान रूप में, उन्हें भगवान रूप में हम बोल रहे हैं। वहां भगवान का धाम होता है, भगवान की धाम हो। जैसे कृष्ण का धाम कहाँ पर है? वृंदावन। कृष्ण का धाम वृंदावन और राम का धाम अयोध्या, महाप्रभु का धाम नवद्वीप। महाप्रभु का धाम भी नवद्वीप महाप्रभु का धाम है, हैं? इसलिए जो नवद्वीप धाम महाप्रभु के लिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, शंकर जी ये बात पार्वती को कह रहे हैं, पार्वती को कह रहे हैं। कहते हैं सनक संहिता में एक कथा आती है, कथा आती है, एक समय माता पार्वती शंकर जी से प्रश्न कर रहे हैं, बोले प्रभु जी भगवान के तो अनंत नाम, कृष्ण गोविंद दामोदर, कितने नाम भगवान की, लेकिन मैं कभी कभी देखता हूँ, कभी कभी आप कभी कभी गौ सच्चिदानंदन गौर हरि की जय, जोर से बोलो, बोले सच्चिदानंदन गौर हरि की। इसलिए कभी कभी मैं देखता हूँ अब श्री गौरांग सच्चिदानंदन गौर हरि चैतन्य, ये कभी कभी ये सब नाम कभी कभी मैं देखता हूँ आप लेते हो, ये गौरांग कौन है, श्री सच्चिदानंदन कौन है, ये महाप्रभु कौन है, कभी कभी मैं देखता हूँ ऊर्ध्व मुंह करके, मतलब मुंह ऊपर करके आप भगवान की महाप्रभु का नाम लेते हो, ये कौन है, ये कौन प्रश्न कर रहे हैं? माता पार्वती किसको प्रश्न कर रहे हैं? श्री शंकर जी को प्रश्न कर रहे हैं। आप थोड़ी इनकी कथा सुनाओगे? जब उन्होंने प्रश्न की, प्रश्न सुनकर तो शंकर जी प्रेम में गदगद हो, प्रेम में उनका आंख आंख भरी आई। बोले क्यों? उनकी आराधना, उनकी इष्ट देव कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। और वही शंकर जी महाप्रभु की लीला में किस रूप में आए थे? श्री अद्वैत आचार्य रूप में। जिस समय कृष्ण रास रचाए, शंकर जी गोपी बन करके आए प्रभु का रास दर्शन करने के लिए, लेकिन प्रवेश नहीं कर पाए, प्रवेश नहीं कर पाए। कृष्ण ने कहा शंकर जी कोई चिंता मत करो, मैं जब कलयुग में श्री सच्चिदानंदन गौर हरि बन करके आऊंगा, फिर उसी समय श्रीवास अंगन में कलयुग में संकीर्तन रूपी रास में दोनों गलवेनिया दे करके सबके सब हम संकीर्तन रूपी रास में हमारी प्रवेश होगा। इसलिए वही कलयुग में श्री अद्वैत आचार्य बन करके आए, आ करके उन्होंने महाप्रभु को उन्होंने जगत में अवतीर्ण उन्होंने कराया। इसलिए जब शंकर जी हैं, शंकर जी को जब प्रश्न किया, शंकर तो प्रेम में गदगद हो गए, गदगद होकर के उन्होंने पार्वती को आलिंगन किया। बोले पार्वती इसलिए तुमने इतने सुंदर प्रश्न किए हो, तुम कौन है? इसलिए भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं ना, कुमार सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सवे आम नाय वाणी। कहते उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी, ये सबके सब कौन है? कहते राधा अवतार सवे आम नाय वाणी, ये राधा रानी का सबके सब प्रकाश है, सबके सब। इसलिए बोले तो इसलिए तुम इतने सुंदर प्रश्न किए हो, तो राधा रानी की प्रकाश है ना, इसलिए तुम इतने सुंदर प्रश्न किए। शंकर जी सुंदर महाप्रभु उन्होंने कथा उन्होंने सुनाया। बोले उनका एक नाम है चैतन्य। बोले चैतन्य इनका नाम क्यों पड़ा? बोले विश्व ब्रह्मांड सृष्टि से पहले वो एक चैतन्यता रूप में ही संसार में थे, उसके बाद में दो हुए ना, सबई नैव रमे नैव रमत सद्वितीय में चा। जब वो अकेले गोलोक वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हुए थे, सोच रहे थे अकेले में कैसे लीला करो, अकेले तो लीला नहीं हो सकता है। फिर उनको बाम अंग से श्री राधा रानी प्रकट हुई, डाण अंग से सदासी बा श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुई है, बलदेव प्रभु से सारे अवतार, राधा रानी से समस्त शक्ति प्रकट हुई। इसलिए कहती ये पृथ्वी सृष्टि से पहले एक श्री
चेतनता रूप में जगत में थे, इनका नाम चैतन्य। बोले इनका नाम गौर हरि क्यों नाम पड़ा? बोले गौर मतलब गौरांग श्री राधा रानी, हरि मतलब कृष्ण। ये दोनों मिल करके कलयुग में श्री सचनंदन गौर हरि रूप में कलयुग में आए, इसलिए उनका नाम पड़ा गौर हरि। शंकर जी स्वयं ये बात को कह रहे हैं, हैं? इसलिए श्री हमारे श्री स्वरूप दामोदर में चैतन्य चरितामृत में क्या कहते हैं, बोले राधा कृष्ण प्रणय विकृति शक्ति रस्मात देकात्मना भूमि पुरा देह भक्ति पेथो गतो तो चैतन्याख्य प्रकटम अधुना तद्वयम चैकमाप्तम राधा भाव दूत सुगलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। स्वरूप दामोदर कौन है? कहते श्री ललिता सखी महाप्रभुलीला में ये स्वरूप दामोदर बन करके आई। वो क्या कहते हैं? बोले ये क्यों कौन है? बोले राधा कृष्ण प्रणय विकृति। बोले राधा रानी कौन है? बोले कृष्ण की प्रेम ही, प्रेम को अगर एक रूप दिया जाए तो ये कौन है? श्री मती राधा रानी। इसलिए बोले महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी। इसलिए गुरुदेव कहते हैं राधा रानी की दो रूप है, एक मूर्त और एक अमूर्त। मूर्त मतलब जैसे मूर्ति रूप में आपके घर में कहीं राधा रानी की होगा, कहते मूर्ति रूप में तो ये है, लेकिन अमूर्त रूप में जो भाव रूप में राधा मतलब क्या है? तो गुरुदेव कहते थे जब यही भक्ति, ये श्रद्धा, भक्ति का पहला स्टेज श्रद्धा, श्रद्धा है तभी तो भक्ति में आए ना, यही श्रद्धा जब बढ़ते बढ़ते उसके बाद में साधु संग, साधु संग के बाद में फिर भजन क्रिया, भजन करते हो, उसके बाद में फिर अनर्थ नष्ट होता है, उसके बाद में रुचि निष्ठा आसक्ति भाव प्रेम, यही प्रेम जब धीरे 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 बढ़ती है, जैसे दूध को गर्म करते राबड़ी बन जाती है, यही प्रेम ही जब वो घनीभूत अवस्था धारण करती है ना, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव और महाभाव, कहते यही प्रेम बढ़ते 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 जब अंतिम स्थिति को प्राप्त करता है, कहते महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी। राधा मतलब क्या है? कहते अमृत रूप में जिस समय यही भाव ही, कहते ये श्रद्धा भक्ति ही अंतिम समय में जो प्रेम रूप धारण करता है, कहते राधा रानी। इसलिए कहते तत्व तो राधा कृष्ण दो नहीं, तत्व तो है एक ही है, लेकिन केवल लीला रस को आस्वादन करने के लिए दो रूप में प्रकट हुए, जापि राधा सापि कृष्ण जा राधा कृष्ण एव स एक ज्योतिंग दिधा विर्ण राधा माधव स्वरूपम। कहते जो राधा वही कृष्ण, जो कृष्ण वही राधा, केवल उन्होंने लीला रस को आस्वादन करने के लिए उन्होंने दो रूप धारण किए, इसलिए वही कृष्ण कलयुग में अभी क्या किया, राधा रानी की भाव अंग कांति लेकर के श्री सचिनंदन गौर रूप में प्रकट हो गए। ये सब शंकर जी सारी बात को माता पार्वती को ये सुनाते हैं। जब उन्होंने सुना है तो इतने में जब माता पार्वती को महापुर में थोड़ी बहुत बताया, वहां पर विस्तृत रूप में नवद्वीप धाम की महिमा बताया शंकर जी पार्वती को, बड़े विस्तृत रूप में उन्हें बड़ी अच्छी अच्छी कथा सुनाई शंकर जी पार्वती को। उन्हें जब समस्त कथा सुनाए, इतने में श्री माता पार्वती फिर प्रश्न करते, बोले प्रभु हैं, तब कभी ये जब उन्हें पूछते प्रभु ये जो वृंदावन जो धाम है, हैं कभी जब वृंदावन धाम है तब उन्हें नवद्वीप धाम की महिमा शंकर जी सुनाए। बोले एक समय श्री अनंत देव कद महाविष्णु के पास में गए, महाविष्णु के पास में जाकर के बोले, बोले आपका आशीर्वाद से हमने सारे धाम गया दर्शन किया, लेकिन अभी तक एक धाम नहीं जा पाए। बोले कौन सा धाम? बोले वृंदावन धाम। महाविष्णु को अनंत देव प्रश्न कर रहे हैं, वृंदावन धाम अभी तक मैं नहीं जा पाया। तब श्री महाविष्णु कहते हैं, बोले अनंत देव अगर कोई व्यक्ति सोचे कुत्ते का पूंछ पकड़ करके समुद्र पार हो जाएंगे, क्या संभव है? संभव नहीं। इसलिए तुम जो कह रहे हो ना वृंदावन धाम दर्शन नहीं हुआ, महाविष्णु स्वयं कहते हैं अभी तक भी मेरे सौभाग्य नहीं हुआ वृंदावन धाम दर्शन करने का। कहते मेरी बात छोड़ दो, वो कहते कारण तो गोसाई गर्भ तो साई जो खिराब दिशाई विष्णु अभी तक भी वृंदावन धाम इनकी प्रवेश नहीं हुआ भाई। अरे अभी भी लक्ष्मी यमुना के उस पार में बैठी करके हाथ जोड़ करके अभी भी बैठी हुई, बोले अभी भी प्रभु का रास में दर्शन नहीं कर पाई। उद्धव जी वहां के त्रिना गुल्म औषधि वृक्ष के रूप में जन्म लेने का प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी वृंदावन में नहीं, वृंदावन का बाहर
जहां पर छोटे जाति के लोग रहते हैं, वहां पत्थर की जन्म लेना चाहते ब्रह्मा जैसे व्यक्ति हैं, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति। इसलिए भगवान विष्णु भी गिरिराज रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए इसलिए इतने आसन नहीं, सिर्फ वृंदावन धाम को दर्शन करना। अब लोग वृंदावन गए ना, सबके सब गए, कौन कौन गए, सब लेकिन यहाँ कह रहे कोई नहीं प्रवेश कर पाए, आप चले गए कैसे। इसलिए कहते जो वास्तव में जो वृंदावन है ना, अभी हमारी दर्शन नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे आंखों के ऊपर में एक माया की पर्दा डला हुआ है। इसलिए एक समय जो प्रभुपाद का समय में क्या हुआ, एक वो लोग नवद्वीप परिक्रमा कर लिए, वृंदावन धाम परिक्रमा करने के लिए आए बंगाल से। उन्होंने वृंदावन की बड़ी महिमा सुनी थी, हे चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष वृंदावन धाम चिंतामणि वृक्ष कल्प वृक्ष त्वयमृतम पानी अमृत जैसे गमनम नृत्यम। कुछ चलता है लगता है जैसे नृत्य कर रहे हैं, कथा गानम जब कोई कुछ बोलते हैं लगता है बड़े सुंदर भजन गा रहे हैं। चिंतामणि धाम कल्प वृक्ष उन्होंने जितना गा भी सब सुरों भी गा भी, वृंदावन की बड़ी महिमा सुने थे। अपराकृत दिव्य धाम श्री वृंदावन राधारानी अपना हृदय को ही ये धाम रूप में प्रकाशित किया। उन्होंने बड़ी कथा सुनी थी जब उन्होंने आए बंगाल से कलकत्ता से नव वृंदावन परिक्रमा करने के लिए आए प्रभुपाद को साथ में। जब आए, जब मथुरा में ट्रेन से उतरे ना, वो एक ब्रह्मचारी था, वो इधर उधर घूम रहा, तो प्रभुपाद ने कहा भाई कहाँ क्या घूम रहे हो, देखा वो इधर जा रहे उधर जा रहे, छटपट छटपट करने। प्रभुपाद बोले भैया क्या बात है, तुम इधर उधर क्यों गए। बोले प्रभुपाद मैं तो लघु संख्या जाना चाहता हूँ, पेशाब करना चाहता हूँ। बोले करो। बोले कैसे करो, वृंदावन धाम मथुरा धाम भगवान के धाम, यहाँ पर पेशाब कैसे करो है। इसलिए प्रभुपाद अभी बताओ क्या करो, अभी पेशाब लग रहा है बड़े जोर से, अभी क्या करूं। लेकिन मैंने सुना वृंदावन धाम दिव्य राधा जी के हृदय बिछा करके रखे कृष्ण सेवा के लिए। तो प्रभुपाद ने कहा देखो जब सचमुच से वृंदावन धाम में जाओगे ना, जब वृंदावन की अनुभूति, अभी वहां तो किसको पेशाब नहीं लगेगा, वहां कोई पैखाना नहीं लगता है, किसको वहां भूख नहीं लगता है। अभी हम लोग हैं कहते ये अभी माया के ऊपर में एक पर्दा डला हुआ है, हम उसको ऊपर में हैं। अभी वृंदावन असली जो वृंदावन में हम अभी नहीं है, अभी नहीं, इसलिए हमको पेशाब पैखाना लग रहा है। जब वहां असली वृंदावन में धाम में जाओगे, बात तुमको इस अनुभूति होगी, तुमको ये सब चीज नहीं लगी, जाओ किसी जंगल में जाकर के वही बाथरूम करके आओ। इसलिए वृंदावन धाम दिव्य अपराकृत श्री वृंदावन धाम है, से वृंदावन धाम की। इसलिए बोले देखो ये वृंदावन जाना इतने आसानी बात नहीं है, लेकिन कहते एक उपाय है जो आसानी से जो वृंदावन जा सकते हो। बोले क्या एक उपाय है, बोले जब तक ये ब्रज गोपियों की कोई अनुगत नहीं करते हैं, वृंदावन वो व्यक्ति नहीं जा सकते। इसलिए गोपियों की अनुगत्य की जरूरत है। लेकिन फिर कहते हैं ये गोपियों का आनुगत्य भी कोई साधारण बात नहीं, शंकर जी गोपी रूप धारण कर दिए, देवदेव महादेव जो सत्यम शिवम सुंदरम गोपी मूर्त धारण कर लिए, प्रभु के दर्शन करने के लिए वृंदावन धाम में प्रवेश करने के लिए, रास दर्शन करने के लिए। लेकिन गोपियों ने चोटी पकड़ करके शंकर जी को निकाल दिए, गुलचा मार करके शंकर जैसे व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग ध्यान करते भी ये वृंदावन के प्रवेश नहीं कर पाए। इसलिए भैया ये गोपियों की अनुगत्य के बगैर कोई भी वृंदावन धाम कोई प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन गोपियों का अनुगत्य भी साधारण बात नहीं, इतने आसानी नहीं। गोपियों की अनुगत्य में भक्ति करना बड़ी दुर्लभ है, साधारण बात नहीं। फिर उनने पूछे आप तो मेरे को हताश कर दिया, आप कह रहे हो इनकी भाव भी कोई साधारण बात नहीं, जिसको ब्रह्मा शंकर भी प्रार्थना करते हैं उनको भी नहीं मिला। बोले एक सरल उपाय है। बोले क्या सरल उपाय है, बोले वही ब्रज भक्ति को देने के लिए, वही वृंदावन में प्रवेश कराने के लिए, अभी कलयुग में श्री सचिनंदन गौर हरि श्री नवद्वीप धाम में जन्म ग्रहण करेंगे। अगर कोई वैष्णव का आनुगत्य में श्री नवद्वीप धाम जाए, नवद्वीप धाम की कोई परिक्रमा लगाए, वहां का धूल में लोट पोट खाए हैं, क्योंकि जो धाम है महाप्रभु के अभिन्न स्वरूप धाम है। जैसे महाप्रभु बड़े दयालु है, जैसे
जैसे उन्होंने मार खा करके भी उन्होंने प्रेम दिया है, इसलिए कहते हैं ना, दयाल नीताई चैतन्ना भोले नाचर्या मर मन, दयाल नीताई चैतन्ना भोले नाचर्या मर मन, नाचर्या मर मन, हे मन दयाल तो नहीं है मार के प्रेम दे, अपराध दूर जावे पावे प्रेम दर, दयाल नीताई चैतन्ना भोले नाचर्या मर मन, दयाल नीताई चैतन्ना भोले नाचर्या मर मन। इसलिए यहाँ पर कहते श्री नित्यानंद और महाप्रभु का नाम को लेकर के मेरा मन नाच उठे। बोले क्यों? बोले ऐसे क्या दयाल देखे हो जो मार खाकर भी प्रेम दिया। कृष्ण लीला में थोड़ी उधर उधर किया भगवान चक्र उठा ली, राम लीला में रावण थोड़ी उधर उधर किया तो उन्होंने क्या कर दिया, ए धनुष उठाए पूरा लंका खत्म कर दी। लेकिन महाप्रभु है कहते माधा सर फोड़ दिया उनको, सर उनको फोड़ दिया मटकी से। बोले मेरे ची कलसी रे काना ताई बोली की प्रेम थी बना, भले ही तुमने कलसी मार कर सर को फोड़ दिया इसलिए क्या तेरे को प्रेम नहीं तुम्हारा, एक बार मेरे प्रभु का नाम ले लो एक बार, बस सारे अपराध को हम दूर कर देंगे। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बस एक बार केवल मेरे प्रभु का नाम लो, जे आगे पड़े तारे करे निस्तार, जो केवल एक बार आकर की महाप्रभु का चरण में गिर गए, महाप्रभु कभी देखे नहीं तुमने पीछे क्या किया। लेकिन राम और कृष्ण ने देखा, कोई अगर अपराधी आए ना, बोले तुमने सब गड़बड़ी करके, माफी मांगने के लिए आए, नहीं किया मैंने। लेकिन महाप्रभु ने ये सब जे आगे पड़े, अगर कोई आकर महाप्रभु का चरण में गिर जाए, बोले कृष्ण प्रेम आय से चार दूर दर्शनी, अगर दूर से अगर महाप्रभु किसी को देख लिया ना, उससे ही महाप्रभु ने प्रेम दे दिया। पशु पक्षी उन्होंने बाघ चित्ते हाल भालू सबको उन्होंने कृष्ण नाम करवाए हैं, महाप्रभु के साथ में झारखंड में सबके सब कीर्तन करते 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 महाप्रभु जा रहे थे। ऐसे दयालु श्री सच्चिदानंद श्री गौर हरी। इसलिए यहां पर कहते हैं महाप्रभु यही प्रेम को देने के लिए अभी कहां पर श्री नवद्वीप धाम में जन्म ग्रहण करेंगी। अगर कि नवद्वीप धाम कोई जाए परिक्रमा करे और भक्तों के साथ में कीर्तन करे लीला स्थलियों में जाए तो अपने आप वो दुर्लभ प्रेम अपने आप मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। इसलिए क्या करो, सबसे सरल उपाय श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा करो, है नवद्वीप धाम की परिक्रमा करो। इसलिए अनंत देवल वाह बढ़िया बात है, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु रूप में अनंत देव नित्यानंद प्रभु रूप में उन्होंने जन्म ग्रहण किए और वो प्रेम को दुर्लभ प्रेम को प्राप्त करने के लिए। इसलिए यहाँ पर शंकर जी पार्वती को ये सारे बात बता रहे हैं नवद्वीप धाम परिक्रमा की क्या बात है, जो नवद्वीप धाम बताए। फिर पार्वती प्रश्न करती है, कहती नवद्वीप धाम क्या चीज है। अब जो नवद्वीप धाम की महिमा बताई, नवद्वीप धाम है क्या चीज, अब थोड़ी नवद्वीप धाम की महिमा बताओ। तब श्री शंकर जी नवद्वीप धाम कैसे प्रकाशित हुआ है, ये नवद्वीप धाम है क्या चीज, फिर वर्णना किया। बोले देखो एक समय श्री राधा रानी देखती है कृष्ण ठीक एक समय होने पर मेरे को बिना बोले कहीं छुप करके चले जाते हैं। फिर जब आते हैं ना छुप करके आते हैं और उनका जो मन को उन्होंने दिखता है थोड़ा थोड़ा सा अनबन सा मन, थोड़ा चंचल है। अभी राधा रानी का मन में डाउट हो गया, ये कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, ये कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, कहीं अगर जाए बोल करके जाए भाई जा रहा हूं काम खत्म, अभी इसी एक समय पर कहीं छुप कर कहाँ जाते हैं। और जब पत्नियां है ना पति का मन को अपने आप पहचान लेते हैं, उनको मन में थोड़ा चंचलता और थोड़ा अनबन सा देखते हैं और समझ गए ये कुछ दाल में कुछ काली है। तो इसने में उन्होंने एक सखी को बोल दिया, देखो एक काम करना, तो ये कृष्णा कहाँ जाते हैं और बिना बोले क्यों जाते हैं, और जब आते हैं मन से मेरे कुछ कुछ गड़बड़ लगता है, एक दिन तुम फॉलो करना तो कहाँ जाते हैं। बोले ठीक है, वो सखी कृष्ण को फॉलो किया, सचमुच से राधा रानी का जो मन में डाउट है ना वो निकला है। क्या निकला, कहते जैसे श्री वृंदावन धाम है एक सुंदर धाम श्री नवद्वीप धाम, वहां वृंदावन में जैसे यमुना नदी बह रही है और वहां पर क्या देखा, गंगा बड़ी सुंदर गंगा बह रही है, यहाँ पर वृंदावन में जैसे कौन सा वृक्ष है, तमाल वृक्ष है, कदम वृक्ष है,
हैं, बड़े सुंदर कोयले जैसे कूकती हैं, कहते उसी तरह भी उन्होंने नवद्वीप धाम में वहां पर भी देखा बड़े सुंदर गंगा, वहां पर कटहल का पेड़ गए ना, नारियल का पेड़, आम का वृक्ष, वहां बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर मनोरम स्थान है, बेली चमेली जुई बड़े अद्भुत बड़े सुंदर स्थान है। वहीं पर एक सखी जिसका नाम बिरजा, वो बिरजा सखी बड़ी सुंदरी है, कृष्ण जाकर के उसको साथ में एकांत में मिलते हैं। अभी उन्होंने इसको देख करके राधा रानी को बोल दिया, बोले राधा रानी तुम्हारे मन में जो सत सही निकली, ऐसे ऐसे सारी बात को बोल दी। अभी राधा रानी सुन करके तो स्वयं राधा रानी गई, जब राधा रानी गई जब कृष्ण ने देखा राधा रानी कैसे आ गई, वो सखी ने देखा राधा रानी कैसे आ गई, इतने में वो जो सखी थी ना बिरजा वो एकदम पानी बन करके उसने बहने लग गई, और जो कृष्ण थे वो कहीं गायब हो गए। राधा रानी समझ गई हैं, समझ गई कृष्ण को ये स्थान प्यारी। इतने में राधा रानी सुंदर उन्होंने बंसी ध्वनि की, अभी बंसी ध्वनि सुन करके कृष्ण दो बार प्रकट हुए, जब दो बार प्रकट हुए अभी राधा और कृष्ण दोनों मिलकर ना वो एक हो गए, एक होकर के श्री महाप्रभु रूप में प्रकट हुए। जब प्रकट हुए इतने में जितने सखियां थी बोली ये क्या हो गया, ये तो दोनों मिलकर के एक रूप हो गए, पुरुष हो गए। इतने में जितने सखियां थी ना वो सब के सब अपना रूप को बदला गई, बदला ललिता बन गई, कौन बन गई ललिता, स्वर्ग दामोदर, विशाखा सखी राय रामानंद बन गई, इसलिए तुंग विद्या ये बन गई, प्रबोधानंद सरस्वती, ये जितने सब सखियां रूप मंजरी रति मंजरी श्री कहते रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बन गई हैं, जीव गोस्वामी कहते बिलास मंजरी जीव गोस्वामी बन गई, सबके सब बन गए पुरुष, पुरुष बन करके ना महाप्रभु के साथ में बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, सबके सब उन्होंने कीर्तन करने लगे हैं, बड़े सुंदर कीर्तन किया, कीर्तन करते हुए फिर देखते देखते दोनों फिर अलग हो गए। जब अलग हो गए इतने में राधा रानी, उनका नाम राधा, राधा मतलब क्या, मतलब जो हर समय कृष्ण की सेवा के लिए जो तत्पर रहती, कृष्ण को जो आराधना करती, कृष्ण को जो प्रसन्न हर समय करती, उनके हर क्रिया कृष्ण को प्रसन्नता के लिए। राधा रानी ने देखा श्याम सुंदर को ये स्थान प्रिय है, तब राधा रानी अपना हृदय से नवद्वीप को उन्होंने प्रकट किया, ये नवद्वीप धाम नहीं ये राधा रानी के हृदय से प्रकट हुआ, ये ना कुंज है, राधा रानी की ना कुंज ही प्रकट उन्होंने किया, अद्भुत सुंदर सुंदर कुंज उन्होंने प्रकट की है कृष्ण के लिए उन्होंने। इसलिए जैसे राधा रानी की जैसे हृदय कोमल है, बड़ी दयालु करुणा कुरुमयी करुणा भरती, ये नवद्वीप धाम भी बड़े करुणामय बड़े दयालु श्री नवद्वीप धाम है। इस नवद्वीप धाम में कोई जाए परिक्रमा करे पास राधा रानी इसको ऊपर में इसको कहते नव वन कहते हैं, नव कुंज है, और जो नव कुंज है और एक एक भक्ति की ये एक एक रूप है, जैसे श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चन बंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन, जो नवविद्या भक्ति कहते जैसे एक एक भक्ति को द्वारा भगवत प्राप्ति हो जाए, केवल एक भक्ति अगर कोई याचना करे, श्रवण के द्वारा किसने प्राप्त किया परीक्षित महाराज, कीर्तन के द्वारा सुखदेव गोस्वामी, स्मरण के द्वारा श्री प्रहलाद महाराज है, पाद सेवन के द्वारा लक्ष्मी, दास्य के द्वारा हनुमान, सख्य के द्वारा अर्जुन, और आत्मनिवेदन के द्वारा श्री बलि महाराज, पृथ्वी महाराज, अर्चन के द्वारा, कहते एक एक भक्ति जो जाजन किया ना, एक एक भक्ति से उन्होंने भगवत प्राप्ति को किया। लेकिन जो व्यक्ति नवद्वीप धाम परिक्रमा कर लेते हैं वो एक एक द्वीप एक एक भक्ति के अंग है, और वहां अगर कोई गए दर्शन किया तो अपने आप सारी भक्ति का अंग पूर्ण हो जाएगी, अब सारी भक्ति का अंग आपकी अपने आप पालन हो जाएगी, इतने महिमा नवद्वीप धाम की। इसलिए जैसे श्री राधा रानी दयालु धाम वैसे दयालु, महाप्रभु जैसे दयालु कहते धाम भी वैसे दयालु, इसलिए नवद्वीप धाम की बड़ी महिमा है। बोले श्री नवद्वीप धाम की, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। पर हम कल और कथा सुनेंगे नवद्वीप धाम की, महाप्रभु की कथा सुनेंगे, ठीक है, 8 दिन यही चलेंगे। हाँ 8 दिन यही चले। बोले गौरांग बोली ते हवे हरी हरी बोली ते हवे।
Hare Rama.